सम्मानित शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केएल इन्फो वाई के एस लाल साथ में हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही ज़रूरी न्यूज है, 70% से कम अंक लाने वाले शिक्षकों का 23 से होगा प्रशिक्षण। दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की 24 को फिर होगी परीक्षा। भोपाल नई दुनिया प्रतिनिधि, सत्र 2019-20 में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में 40% से कम परिणाम देने वाले शिक्षकों के लिए 3 या 4 जनवरी को परीक्षा ली गई थी। इस परीक्षा में 7910 शिक्षकों को शामिल होना था, लेकिन इसमें करीब 6000 शिक्षक शामिल हुए थे। इस परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 24 जनवरी को दोबारा परीक्षा लेगा। इस संबंध में लोक शिक्षा संचालनालय DPI ने आदेश जारी कर दिए है। इसमें निर्देशित किया गया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा में निलंबित एवं अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। इसमें सिर्फ अस्पताल में गंभीर बीमारी के कारण एडमिट या कोविड पॉजिटिव वाले शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी DEO द्वारा छूट दी जाएगी। बता दें कि पहली परीक्षा में प्रदेश के करीब 600 शिक्षकों के 50% से कम अंक आए हैं, जिनके लिए मार्च में फिर से परीक्षा आयोजित होगी। 70% तक अंक लगने वालों के लिए 23 से प्रशिक्षण। पहली परीक्षा में 70% या उससे कम अंक लाने वाले शिक्षकों के लिए प्रत्येक शनिवार को शाम 4 से 6 बजे तक विषयवार ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 23 जनवरी से शुरू होगा। शिक्षण के दौरान निर्धारित टॉपिक प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस के दिन ही प्रत्येक शिक्षक का प्री एवं पोस्ट टेस्ट लिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक शिक्षक के प्रशिक्षण का संपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखा जाएगा। शिक्षकों की प्रशिक्षण में उपस्थित अनिवार्य होगी। अनुपस्थित को गंभीरता से लिया जाएगा। फेल शिक्षकों के सुधार के लिए 2 माह का मौका। DEO को निर्देश में यह भी लिखा है कि 50% से कम अंक लाने वाले शिक्षकों को सुधार के लिए 2 माह का नोटिस विलंब जारी किया जाए। मार्च में इन शिक्षकों की पुनः परीक्षा ली जाएगी और सुधार न होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही DEO एवं संयुक्त संचालक से कम अंक लगने वाले स्कूलों का नियमित भ्रमण भी करें। दोस्तों, यह बहुत ही ज़रूरी सूचना है। ये सभी शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप पर शेयर करें। धन्यवाद।